दमन में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और सांसद लालू पटेल की अगुवाई में संपन्न हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलवासा न्यूज लाइन में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। इसी क्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कुशल नेतृत्व में आज दमन में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस मनाना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का अनूठा कदम है। जिला प्रशासन द्वारा संघ प्रदेश में रहने वाले बंगाल के लोगों को हार्दिक बधाई दी गई और उनका अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम शाम 6 बजे सरकारी आवास में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में बंगाली समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर माननीय प्रशासक ने सबको संबोधित करते हुए बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व के बारे में बात की और बंगाल की समृद्ध संस्कृति और त्योहारों की प्रशंसा की। इसी क्रम में उन्होंने देश के इतिहास में पश्चिम बंगाल के सामाजिक राजनीतिक एवं साहित्यकारों के योगदान पर प्रकाश डाला एवं याद किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में अवगत कराएं जिन्होंने देश के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों ही चहुमुखी विकास की अनुभूति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूर्वानुमान के तहत कहा था कि एक दिन हमारा देश जरूर विश्व गुरु बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा देश विश्व गुरु की राह में अग्रसर है। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मजबूत हो सके। इससे लोगों को भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाने व किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति रीति रिवाजों तथा परंपराओं को प्रदर्शित करके आम पहचान की भावना को बढ़ाने में मदद मिलेगी।